चरित्र प्रमाण पत्र यानी कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपके साफ सुथरे कैरेक्टर को दर्शाता है। कॉलेज में एडमिशन लेंगे ये आपको वहाँ भी जरूरत पड़ जाएगा। सरकारी नौकरी हो या प्राइवेट नौकरी हो या पासपोर्ट के लिए आवेदन कर रहे हो तो आपको वहाँ भी कैरेक्टर सर्टिफिकेट का जरूरत पड़ जाएगा। अच्छी बात यह है कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। भारत में ये सुविधा है, भारत के लगभग हर राज्यों में कैरेक्टर सर्टिफिकेट ऑनलाइन बनता है। तो आप भारत के किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं और आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाना है तो सिंपली आपको अपना ब्राउजर खोल लेना है। यहाँ पर आकर के आप टाइप करेंगे कैरेक्टर सर्टिफिकेट, देन आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते होंगे आप उसका नाम लास्ट में लिख लीजिएगा। जैसे कि हम लोग यहाँ पर लिखते हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट यूपी, तो यूपी पुलिस का ऑफिशियल साइट यहाँ पर खुल करके आ जाएगा। इस साइट से आप जा करके अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट बना सकते हैं। यहीं पर मैं टाइप कर देता हूं कैरेक्टर सर्टिफिकेट हरियाणा और इसे हम लोग सर्च करेंगे तो हरियाणा पुलिस का जहां से कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनता है वो वाला साइट आ जाएगा। लगभग जितने भी राज्य है भारत का सभी के वेबसाइट का इंटरफेस सेम है, कुछ कुछ थोड़ा सा डिफरेंस है लेकिन सभी स्टेट का जो पोर्टल्स है कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाने के लिए वो सेम होता है। तो मैं आज आपको एक राज्य का बना करके दिखा देता हूँ कि आप 2023 में कैरेक्टर सर्टिफिकेट कैसे बना सकते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल झारखंड का कैरेक्टर सर्टिफिकेट बना करके दिखाने वाला हूं। तो यदि आप झारखंड का कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं तो आपको झारखंड पुलिस के इस ऑफिशियल साइट पर आ जाना है। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। और किसी भी स्टेट का वेबसाइट आप कैसे एक्सेस कर सकते हैं वो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया है। इस साइट पर आ जाने के बाद सबसे पहले आपको यूजर आईडी एंड पासवर्ड क्रिएट करना होगा ताकि आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सके। उसके लिए आप यहां पर नीचे आएंगे, यहां पर आप देख सकते हैं क्लिक हियर टू रजिस्टर योरसेल्फ, देन आपको अपना रजिस्ट्रेशन यहां पर करना होगा। तो सबसे पहले में आप यहां पर देख सकते हैं व्यक्तिगत विवरण, तो सबसे पहले में आप यहां पर देख सकते हैं प्रथम नाम, देन मध्य नाम है तो आप डाल सकते हैं, अंतिम नाम है तो आप डाल सकते हैं, अदरवाइज इन्हें खाली छोड़ सकते हैं। लिंक सेक्शन में आइएगा, आपका जो भी लिंक होगा पुरुष या महिला आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लीजिएगा। आईडी टाइप में आप अपना आधार कार्ड का नंबर जो भी होगा आप यहां पर टाइप कर लीजिएगा। राइट साइड में आपको मोबाइल नंबर यहां पर इंटर कर देना है, लैंडलाइन संख्या आप नहीं भी डालेंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं है। देन ईमेल आईडी के सेक्शन में आपको अपना ईमेल आईडी डाल लेना है, अदरवाइज आप इसे खाली छोड़ सकते हैं। पहचान के प्रकार में आपको यहां पर बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे, सिंपली आप यहां पर आधार कार्ड सेलेक्ट कर लीजिएगा। आयु के पैनल में जन्म तिथि आपकी क्या है आप इस कैलेंडर से सेलेक्ट कर लेंगे, आपका आयु महीना जन्म का वर्ष ऑटोमेटिक यहां पर आ जाएगा। देश के सेक्शन में ऑटोमेटिक भारत सेलेक्ट रहेगा, देन आप नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल कीजिएगा, यहां पर आपको अपना अस्थाई पता डाल लेना है यानी कि परमानेंट एड्रेस। देन लॉगिन आईडी आप अपने से एक यूजर नेम यहां पर सेट कर लेंगे, पासवर्ड आप अपने से डाल दीजिएगा, कंफर्म पासवर्ड कीजिएगा। पैन कार्ड सिक्योरिटी क्वेश्चन में पूछ करके आपका पैन कार्ड का नंबर यहां पर डाल दीजिएगा, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। किसी कारणवश आप अपना आईडी पासवर्ड भूल जाएंगे तो ये आपको रिकवर करने में सहायता करेगा। देन स्पेस करें यानी कि सेव करें के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। आपके मोबाइल पर एक वेरिफिकेशन कोड भेजा जाएगा, वेरिफिकेशन कोड को आपको वेरीफाई कर लेना है। इस प्रकार से आपका जो आईडी पासवर्ड है वो आपको क्रिएट हो जाएगा। होम पेज पर आ जाने के बाद जो भी आपने अपना यूजर नेम रखा था वो आप यहाँ पे डाल दीजिएगा, पासवर्ड जो भी सेट किया था आप यहाँ पे डालेंगे, इस कैप्चा कोड को आप यहाँ पे डालेंगे, देन इस लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करके लॉगिन कर लेना है। देन आप डैशबोर्ड पर लॉगिन हो जाएंगे। देन यहाँ पर आप देख सकते हैं नागरिक सेवाएं वाले ऑप्शन पर आपको आना है, इधर से आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं चरित्र प्रमाण पत्र अनुरोध, चरित्र प्रमाण पत्र अनुरोध जोड़े। डिस्क्लेमर में आपसे बोला जाएगा कि प्रमाण पत्र में आपको किसी भी प्रकार का सिग्नेचर नहीं मिलेगा क्योंकि एक कंप्यूटर जनरेटेड कैरेक्टर सर्टिफिकेट है। सिंपली आप इसे चाहते हैं तो हाँ करेंगे। पहला जो है आवेदक का विवरण यानी कि आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन लिया जाएगा, देन दूसरे ऑप्शन में आपका पता यहाँ पर लिया जाएगा, तीसरे में आप यहाँ पर देख सकते हैं शपथ पत्र। ठीक है, तो चलिए आवेदक का विवरण से हम लोग चालू कर लेते हैं। सबसे पहले में आपका यूआईडी नंबर यानी कि आधार नंबर आपका क्या है आप यहाँ पर टाइप करेंगे। प्रथम नाम यानी कि फर्स्ट नेम आपका क्या पड़ता है वो आप यहाँ पर डालेंगे। देन आपका मध्य नाम है तो आप डाल सकते हैं, अदरवाइज खाली छोड़ दीजिएगा। अंतिम नेम आपको डालना जरूरी है। संबंध के प्रकार में सिंपली आप पिता या माता को सेलेक्ट कर सकते हैं, पति या पत्नी भी सेलेक्ट कर सकते हैं। हम अपने केस में पिता वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। देन रिश्तेदार का नाम
यानी कि आपने जो भी रिश्तेदार यहाँ पर सिलेक्ट किया है उनका नाम क्या है आप यहाँ पर एंटर कीजिएगा। देन आईडी का प्रकार में सिंपली आपको यहाँ पर आधार कार्ड सिलेक्ट कर लेना है, आधार कार्ड का क्या नंबर है आप टाइप कर दीजिएगा। देन राइट साइड में आप यहाँ पर देख सकते हैं यह सेवा लागू करने का प्रयोजन, यानी कि आपको ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट किस लिए चाहिए, आप सिंपली एक कोई चीज डाल दीजिएगा जिसके लिए आपको ये चाहिए होगा। देन प्राप्त की विधि क्या होगा, यानी कि ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको किस प्रकार से चाहिए, डाक द्वारा चाहिए, व्यक्ति द्वारा चाहिए या ईमेल द्वारा चाहिए। आपकी जेंडर क्या है, मेल या फीमेल आप फिर से सिलेक्ट कर लीजिएगा। ईमेल आईडी आपका यहाँ पर आप बारीकी से टाइप कीजिएगा। लैंडलाइन नंबर आप खाली छोड़ सकते हैं, मोबाइल नंबर में आपका मोबाइल नंबर आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। आयु का पैनल आपके पास आ जाएगा, सिंपली इस डेट पिकर से आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लीजिएगा। आपका डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करते ही आपका उम्र, जन्म का वर्ष, ये सारा कुछ आ जाएगा। सिंपली आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पर आपको दो दस्तावेज अपलोड करने हैं। सबसे पहले के ऑप्शन में आप यहाँ पर देख सकते हैं तस्वीर, यानी कि आपका प्रोफाइल फोटो अपलोड करना है। इसी प्रकार से आप दस्तावेज में आप अपना आधार कार्ड सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद ये सेक्शन आपका यहाँ पर कम्प्लीट हो जाएगा। दूसरे वाले में आप देख सकते हैं पता, यहाँ पर आप बीच में इस पर क्लिक कीजिएगा। देन आपका वर्तमान पता क्या है डाल दीजिएगा। देन नेक्स्ट पेज में आप आ जाइएगा, यहाँ पर आपको दिखेगा शपथ पत्र। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आप किसी भी आपराधिक या देश के किसी भी भाग में ऐसा कोई आप पर थाना में FIR वगैरह सब कुछ है तो आप हाँ करेंगे और उसका विवरण आप यहाँ पर टाइप कीजिएगा। नहीं है सिंपली आपको यहाँ पर नहीं के ऑप्शन पर क्लिक करना है। नीचे में आप देख सकते हैं उपलब्ध कराई गई सभी जानकारी सही है, सिंपली इस चेकबॉक्स पर क्लिक कीजिएगा। नीचे में आप यहाँ पर देख सकते हैं पत्र फाइल अपलोड करें, तो यहाँ पर आपको करना क्या है, एक व्हाइट पेपर में आप आवेदन डालेंगे कि आपको अपना ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट किस लिए चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आप अपना आधार कार्ड का फोटो भी अटैच कर सकते हैं, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। यहाँ से इसे आप अपलोड कर दीजिएगा। देन यहाँ पर आप देख सकते हैं जमा करे वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो एप्लीकेशन है वो फाइनली सबमिट हो जाएगा। आपको एक रिसिप्ट जनरेट होकर के मिल जाएगा जिसे आपको प्रिंट आउट निकलवाना है, और यदि आप ग्रामीण इलाके में रहते हैं तो आपको अपना मुखिया से अटेस्टेड करवाना है। यदि आप शहर में रहते हैं तो आपको अपने वार्ड पार्षद से जो भी होंगे उनसे आपको अटेस्टेड कराना होगा। उसके बाद आपके साथ दो गवाह चाहिए, गवाह के साथ में उनका आईडी कार्ड यानी कि आधार कार्ड होना चाहिए। उसे लेकर के आप अपने थाने में चले जाएंगे, उस रिसिप्ट को आपको वहां पर जमा दे देना है। उसके बाद 2 से 3 दिन के बाद वापस आपको इसी वेबसाइट पर आ जाना है, जहां पर आप मुख्य पेज पर जाएंगे। यहां पर आप देख सकते हैं मुख्य पृष्ठ, देन यहां पर आप देख सकते हैं इस तिथि खोजे, और यहां से आपको सेवा के प्रकार पर आना है। यहां पर आप देख सकते हैं सेवा अनुरोध, दूसरे में आप यहां पर देख सकते हैं सेवा अनुरोध, जो भी आपका रिसिप्ट था उसमें जो नंबर था आप यहाँ पर डालेंगे। सेवा अनुरोध के प्रकार में आएंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं चरित्र प्रमाण पत्र, यहाँ पर सिंपली ईयर डाल देंगे जो भी आपका ईयर में आपने अप्लाई किया था, नाम यहाँ पर डाल देंगे, खोज करेंगे तो आपका जो स्टेटस है वो यहाँ पर दिख जाएगा। देन आपका जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वो आपको आईडी से डाउनलोड हो जाएगा। यदि आपने ईमेल सेलेक्ट किया था आपके ईमेल पर आ जाएगा। पोस्ट ऑफिस सेलेक्ट कर रखा था तो बाय पोस्ट आपको अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आप ऑनलाइन कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपको कहीं पे नहीं समझ में आया होगा तो निश्चित होकर के आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे आगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।